हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ मोनिका और आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ एक ऐसी रेसिपी। आप लोग कहोगे काश पहले पता होता। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास ये कुछ चावल बचे थे, इन्हें मैंने ले लिया है और अब मैं हाथों की सहायता से इन्हें दाना दाना अलग अलग कर दूँगी। तो चलिए पहले सारे चावलों को रेडी कर लेते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे चावल हो गए हैं खिले खिले से। और क्योंकि ये है फ्राइड राइस, तो इन्हें फ्राई करने के लिए मैंने ले लिया है कढ़ाई में तेल और इसे मैंने गर्म कर लिया है। चावल हमारे रेडी है और जो इसमें वेजेस लगेगी वो मैंने ले ली है। मैंने ले लिया है एक प्याज, दो हरी मिर्च, एक टमाटर और एक छोटी सी शिमला मिर्च मेरे पास थी वो मैंने ले ली है। इन्हें बारीक चॉप कर दिया है। तो सबसे पहले मैंने डाल दिया था प्याज, उसके बाद टमाटर और साथ ही में शिमला मिर्च मैंने डाल दी। तो सब सब्जियों को, प्याज टमाटर और जितनी भी आपके पास सब्जी हो, आप चाहे तो मटर ले सकते हैं, आप चाहे तो गाजर हो तो बारीक चॉप करके आप गाजर भी ले सकते हैं, बीन्स आप ले सकते हैं, ये आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। तो मैंने सबको साथ में डाल दिया था और अब मैं डाल दूँगी नमक। मिला लेंगे अच्छे से। और साथ ही में मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी, ये टोटली ऑप्शनल है। अगर आप येलो फ्राइड राइस चाहें तो आप हल्दी डाल दें, अगर आप वाइट राइस चाहते हैं तो आप हल्दी ना डालें। तो मैं डाल दूँगी थोड़ी सी हल्दी और थोड़ी सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च ले ली है, क्योंकि हरी मिर्च हमने पहले ही इसमें डाली है तो ध्यान से डालें। अब इसे अच्छे से हम मिला के थोड़ी देर ढक के रख देंगे। 2 मिनट बाद देखिए हमारी शिमला मिर्च जल्दी पक जाती है। तो उसके पकने के बाद मैंने इसमें डाल दिए थे चावल और ये देखिए चावलों को 2 मिनट ढकने के बाद ये हो गए हैं रेडी। क्योंकि हमारा चावल पहले ही पका है तो इसमें ज़्यादा देर नहीं लगती है। तो चावलों को अच्छे से पहले भी मिला लिया था और अब मिला के इसमें डाल देंगे हरा धनिया, फिर से मिला लेंगे। तो लीजिए तैयार है हमारे फ्राइड राइस, है ना बहुत इजी। तो अब हम इन्हें कर लेंगे सर्व। तो हमेशा की तरह आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं मेरी एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।